अश्विनी ताई पहुंची हैं सई के पास। उन्हें पता है कि अगर विराट को कोई रोक सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सई है। विराट सई के प्यार में इतना दीवाना है कि अब वो उससे दूर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सई और सत्या की ज़िंदगी के बीच में नहीं आना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब अश्विनी ताई पहुँची, उस दौरान अश्विनी ताई और सई की बातों को सत्या ने भी सुन लिया है। सत्या ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब क्या किया है सत्या ने, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्या को इस बात का तो एहसास हो ही गया कि जिस तरीके से वीजू काका और अम्बा यानी उसकी माँ प्यार होते हुए भी एक दूसरे से इतने साल दूर रहे, ऐसा किसी और के साथ ना हो। जब अश्विनी ताई अम्बा निवास पर आई सई के आगे हाथ जोड़ने, उसे मनाने, उससे विनती करने, सत्या ने सई की आंखों में जो दर्द विराट के लिए देखा, वो समझ गया कि सई भी आज तक विराट से ही प्यार करती है। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसे वाकई में सई के लिए कुछ करना चाहिए। वो जानता है कि सई ने उसकी माँ अम्बा के लिए बहुत कुछ किया है, उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो ऐसे में अब सत्या ने बड़ा कदम उठा लिया है। वो सई को लेकर चव्हाण निवास पहुँच चुका है। जी हाँ, वो सई को लेकर चव्हाण निवास पहुँच तो गया। वहाँ पर उसने इस बात के लिए अपील भी की, भीख भी मांगी, विनंती भी की कि वो चाहता है कि सई वापस विराट के पास चली जाए। लेकिन यहाँ पर विराट ने बड़ी शर्त रख दी है। विराट जो लगातार दिन रात सई को मिस कर रहा है, सई के आने पर खुश नहीं हुआ, उसने एक शर्त रख दी है। उसने साफ साफ कहा है कि सई तुम्हारी ही पत्नी है, जब तक वो तुम्हें तलाक नहीं देगी वो मेरे घर नहीं आ सकती। तो एक बात तो तय है कि विराट अगर सई को पाना चाहता है तो वो पूरी तरीके से उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि वो सत्या की पत्नी बनकर इस घर में रहे, और इसीलिए उसने सत्या से साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम्हें इस बात का एहसास है और तुम सच में चाहते हो कि सई मेरे पास लौट आए तो तुम्हें उसे तलाक देना होगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या सत्या अब सई को तलाक दे देगा, एक बार फिर से सई और विराट की शादी हो जाएगी। हालांकि भवानी नहीं चाहती कि सई और विराट एक हो, पर देखना होगा कि क्या सई और विराट के प्यार के सामने वो झुकती है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।